हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो फिजिक्स का वीडियो है वह काफ़ी कंसेप्चुअल वीडियो है। ये काफ़ी सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें हम बात करेंगे यंत्र एवं उसकी उपयोगिता के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ फिजिक्स के महत्वपूर्ण आविष्कार के बारे में, और फिर हम कुछ जो है भौतिक राशियाँ, उसके फॉर्मूले और फिर उसके जो है डायमेंशन के बारे में बातें करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर रेलवे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर किसी भी एग्जाम जो है आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, सबके एग्जाम में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज के वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे यंत्र एवं उसकी उपयोगिता के बारे में। यंत्र एवं उसकी उपयोगिता की अगर हम बात करें, पहला यंत्र की अगर हम बात करें तो इसमें आता है, सबसे पहला यंत्र है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का उपयोग करते हैं, इससे विमान की ऊंचाई को नापा जाता है। ठीक है, उसके बाद अमीटर की बात करें तो अमीटर से क्या करते हैं कि इससे विद्युत धारा की तीव्रता को नापा जाता है। उसके बाद हम बात करें एनीमोमीटर की, तो एनीमोमीटर क्या करता है, ये वायु की शक्ति को जो है, विंड के जो पावर को और उसके जो वेलोसिटी यानी गति को नापा जाता है इससे। ठीक है, उसके बाद हम ऑडियोमीटर की बात करें, जैसा कि नाम में छुपा हुआ है ऑडियो, मतलब कि साउंड से रिलेटेड है, तो यह ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र होता है। उसके बाद एरोमीटर की बात करें तो नाम में छुपा है एयर, मतलब कि हवा। ठीक है, तो यह वायु और गैस के भार और घनत्व को मापने का यंत्र है ये। तो यह है एक्टिनोमीटर, ये क्या करता है आपका, सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापने का यंत्र है ये एक्टिनोमीटर। यंत्र की बात करें तो यह है ऑडियोफोन। ऑडियोफोन से क्या होता है, इसे लोग सुनने में सहायता के लिए कान में लगाते हैं। ठीक है, लोग जो है सुनने में सहायता हो इसके लिए कान में लगाते हैं इस यंत्र को। आगे देखते हैं, अगला जो यंत्र है आपके पास वो है गायरोस्कोप। अब गायरोस्कोप का उपयोग कब करते हैं, तो ये घूमती हुई वस्तु की गति को मापने में इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। उसके बाद हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर क्या है, इससे वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापा जाता है। कम्यूटेटर, ठीक है, कम्यूटेटर का उपयोग कब किया जाता है, इससे किसी परिपथ में विद्युत धारा को बदला जाता है। उसके बाद कह रहा है कि आपको डायनमो के यंत्र का उपयोग कब करते हैं, तो ये है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र होता है। ठीक है, उसके बाद है डायनमोमीटर। ठीक है, डायनमोमीटर का उपयोग कब करते हैं, तो ये होता है आपका इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने का यंत्र है ये। मतलब कि किसी इंजन में कितनी शक्ति उत्पन्न हो रही है, पावर जनरेट हो रहा है, उसको मापने के लिए हम इस यंत्र का उपयोग करते हैं। उसके बाद है फैदोमीटर, यह क्या होता है, समुद्र की गहराई को मापता है फैदोमीटर। उसके बाद है आपका जो है अगला, वो है आपका क्रेस्कोग्राफ, तो ये होता है पौधों की वृद्धि मापने का यंत्र है ये। उसके बाद हम मैनोमीटर की बात करें तो इससे गैस के दाब ज्ञात करते हैं। ठीक है, मैनोमीटर ट्यूब आता है। ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, जो प्रेशर होता है ना, प्रेशर जो होता है गैस का, उसको मेजर करते हैं। ठीक है, उसके बाद है माइक्रोस्कोप की बात करें तो इससे क्या होता है, सूक्ष्मतम वस्तु को बड़ा करके हम देखते हैं। ठीक है, जूम आउट करके देखते हैं इस वस्तु को। उसके बाद है कि ऑडोमीटर क्या है, ऑडोमीटर यंत्र जो है इसका उपयोग करते हैं, इससे मोटर गाड़ी की गति ज्ञात की जाती है। ठीक है, उसके बाद पैरोमीटर की बात करें तो उच्च तापों को मापने का उपकरण है। ठीक है, उसके बाद रेन गेज की बात करें तो रेन गेज क्या होता है कि इससे किसी विशेष स्थान पर हुई वर्षा की मात्रा मापी जाती है रेन गेज से। ठीक है, बारिश कितनी हुई है उसके जो है हम मापन करते हैं किससे, तो रेन गेज से करते हैं। उसके बाद है रेडियोमीटर, रेडियोमीटर क्या होता है कि जो विकर्ण ऊर्जा होती है उसकी तीव्रता को मापता है ये। उसके बाद हम बात करें स्पीडोमीटर, तो ये होता है आपका, इससे किसी भी मोटर गाड़ी के चाल को ज्ञात किया जाता है। ठीक है, इस यंत्र के उपयोग से। अब है स्फिग्मो मैनोमीटर, ठीक है, इसका उपयोग करेंगे किसके लिए, तो रक्त का दाब मापने वाला यंत्र जो होता है, जो ब्लड प्रेशर मापने वाला यंत्र होता है, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, स्फिग्मो मैनोमीटर। स्टेथोस्कोप की, तो ये जो है हृदय की आवाज को सुनने के लिए डॉक्टर लोग उपयोग करते हैं इस यंत्र का। ठीक है, टेलीस्कोप की बात करें तो ये है दूर स्थित किसी वस्तु को जो है स्पष्ट रूप से देखना हो तो उसके लिए हम टेलीस्कोप का उपयोग करते हैं। उसके बाद है टेलीमीटर, ये होता है आपका दूर स्थान पर होने वाले भौतिक घटनाओं को मापने वाला यंत्र है ये। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं विस्कोमीटर, तो यह होता है आपका द्रव की श्यानता को नापने वाला यंत्र होता है। बैरोमीटर की बात करें तो यह क्या होता है, वायु दाब मापने वाला यंत्र होता है। बैरोग्राफ की बात करें तो यह वायुमंडल के दाब में होने वाले जो परिवर्तन को नापता है। ठीक है, और स्वतः ही इसका ग्राफ बना देता है, अपने आप इसका ग्राफ बना लेता है, जनरेट कर लेता है। कैलोरीमीटर की बात करें तो इससे क्या होता है, इससे हम ऊष्मा की मात्रा को मापते हैं। कार्डियोग्राफ की बात करें तो इससे हृदय रोग से ग्रसित व्यक्ति की हृदय गति की जाँच की जाती है। ठीक है, हम कार्बोरेटर की बात करें तो कार्बोरेटर में क्या होता है, इससे जो अंतर दहन पेट्रोल इंजन में जो पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाया जाता है। ठीक है, इस यंत्र का उपयोग करके। क्रोनोमीटर की बात करें तो इसमें क्या, यह यंत्र जल यान पर लगाया जाता है, जिससे क्या होता है, सही समय का पता लगता है इससे। ठीक है,
कंप्यूटर की बात करें तो यह एक गणितीय यांत्रिक व्यवस्था होता है। इसका उपयोग जो है गणितीय समस्या एवं गणना को हल करने के लिए किया जाता है। अगर बात करते हैं क्या होता है, ये छोटे विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा ज्ञात करने के लिए प्रयोग में किया लाया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ग्रामोफोन की बात करें, ग्रामोफोन में क्या होता है, इसके द्वारा रिकॉर्ड पर जो अंकित ध्वनि तरंगों को पुनः उत्पादित किया जाता है और सुना जाता है। ठीक है, ग्रामोफोन से क्या करते हैं कि जो रिकॉर्ड है, जो ध्वनि होती है, रिकॉर्ड ध्वनि, उसको पुनः जो है सुना जाता है। उसके बाद बात करें हाइड्रोफोन की, तो हाइड्रोफोन से क्या होता है, पानी के अंदर जो भी ध्वनि तरंग की गणना करने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, लैक्टोमीटर की बात करें तो दूध की शुद्धता जांचने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है, यह हाइड्रोमीटर का एक प्रकार है। पेरिस्कोप की बात करें तो पेरिस्कोप में क्या होता है कि इसके द्वारा जो पनडुब्बी पानी के अंदर होती है, ठीक है, तो पानी के सतह का अवलोकन कर सकती है इस यंत्र के द्वारा, और इसमें बैठे लोग जो होते हैं ना, बिना किसी जाने हुए किसी के जाने हुए बिना किसी बाधा के बाहर बाहरी जो हलचल होते हैं ना, उसको ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद थर्मोस्टेट की बात करते हैं, इस यंत्र के द्वारा ऊष्मा आपूर्ति का नियंत्रण करके किसी वस्तु या पदार्थ का तापमान नियत कर दिया जाता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर की बात करें तो इसके द्वारा एसी विद्युत धारा के वोल्टेज को कम या अधिक किया जा सकता है। ठीक है, रेडिएटर की बात करें तो रेडिएटर में क्या होता है कि ये कारों तथा गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने वाला उपकरण होता है। ठीक है, रेडिएटर। उसके बाद सिस्मोग्राफ की बात करें तो पृथ्वी की सतह से आने वाला जो भूकंप के झटके होते हैं उसको पता लगाता है ये सिस्मोग्राफ। उसके बाद आगे है आपका इसमें हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या करता है, जो द्रव होता है, द्रव का अपेक्षित घनत्व जो होता है, रिलेटिव डेंसिटी, उसको ज्ञात करता है हाइड्रोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है आपके पास है भौतिक विज्ञान में जो खोज एवं आविष्कार हुआ, डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन इन फिजिक्स में जो महत्वपूर्ण हुआ है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखें। काफी सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, सारे के सारे कलेक्शन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा खोज जो है, परमाणु का खोज किसने किया था, तो जॉन डाल्टन ने किया था 1808 ईस्वी में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जे जे थॉम्सन ने किया था 1897 में। ठीक है, उसके बाद प्रोटोन की बात करें तो गोल्डस्टीन ने किया था 1886 ईस्वी में खोज, और नाम इसका जो प्रोटोन रखा और रदरफोर्ड ने 1911 में रखा। ठीक है, नामकरण किया। न्यूट्रॉन की बात करें तो यह है जेम्स चैडविक ने 1932 में इसका खोज किया। नाभिक की बात करें तो रदरफोर्ड ने किया था 1911 में। पॉजिट्रॉन की बात करें तो एंडरसन ने किया 1932 में। एंटी प्रोटोन की बात करें तो सीगर ने किया था 1955 में। ठीक है, न्यूट्रिनो की बात करें तो पाउली ने किया था 1930 में। उसके बाद बात करें पाई मेसोन की, तो इसके जो है युकावा ने किया था 1935 में। ठीक है, गामा किरण की बात करें तो बैकुडल और तथा क्यूरी ने मिलकर किया था गामा किरण का आविष्कार 1896 ईस्वी में। ठीक है, एक्स किरण की बात करें तो रॉजर ने किया था 1895 में। पराबैंगनी विकिरण की बात करें तो रिटर ने किया था 1801 में। ठीक है, दृश्य प्रकाश की बात करें तो न्यूटन ने किया था 1666 में। अवरक्त विकिरण आपके पास है, ये हर्सेल ने किया था 1840 ईस्वी में। माइक्रो तरंगे की हम बात करें तो ये हर्ट्ज ने किया था 1888 में। ठीक है, रेडियो या बेतार, बेतार क्यों बोलते हैं, क्योंकि रेडियो में कोई तार लगा नहीं होता इसलिए बेतार बोलते हैं। ठीक है, तो रेडियो तरंगे जो होती है उसका जो मार्कोनी ने किया था 1895 में इसका आविष्कार। उसके बाद है उत्प्लावन का सिद्धांत, आर्किमिडीज ने इसका खोज किया था। रेडियो एक्टिविटी की बात करें तो यह हेनरी बेकवेल ने किया था 1896 में। टेलीविजन की बात करें तो जे एल बेयर्ड ने 1925 में किया था। ठीक है, कॉस्मिक किरणें की बात कर लें तो आर ए मिलिकन ने किया था 1910 में। उसके बाद रेडियम एवं पोलोनियम की खोज किसने की थी, तो मैडम क्यूरी और पियर क्यूरी ने 1898 में। सापेक्षता का सिद्धांत एस आइंस्टीन ने किया था। ठीक है, ये 1895 में। उसके बाद विद्युत अपघटन के नियम की बात करें तो माइकल फैराडे ने किया था 1841 में। उसके बाद क्वांटम सिद्धांत की अगर हम बात करें तो मैक्स प्लांक ने किया था 1901 ईस्वी में। विद्युत चुंबकीय तरंग की बात करें तो हर्ट्ज ने 1887 में किया था। तो सारी के सारे काफी महत्वपूर्ण है, आप सबको ध्यान में रखें। उसके बाद हम बात करें फिल्म तथा फोटोग्राफी का सामान जो होता है उसका आविष्कार किसने किया था, तो एक कोडक हो जाएंगे। ठीक है, इसका आंसर कोडक। रेडियो तथा वायर जो वायरलेस टेलीग्राफी होता है उसका आविष्कार जी मार्कोनी ने किया था 1896 ईस्वी में। उसके बाद प्रकाश का जो विद्युत चुंबकीय सिद्धांत होता है वो मैक्सवेल साहब ने इसका आविष्कार किया था। इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफी की बात करें तो मोर्स ने किया था आपका 1832 ईस्वी में। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के नियम की बात करें तो न्यूटन ने 1687 में किया था। डायनामाइट की बात करें तो अल्फ्रेड नोबेल ने 1862 में किया था। यूरेनियम का विखंडन की बात करें तो ऑटो हन ने किया था 1941 में। ठीक है, रमन प्रभाव की बात करें तो सीवी रमन ने किया था 1928 में। एक्स किरणों की जो खोज की थी वो किसने की थी, डब्ल्यू के रॉन्डसन ने 1895 में। ठीक है,
लोकोमोटिव इंजन की बात करें तो स्टीवेंस ने किया था 1814 ईस्वी में। विद्युत धारा तथा प्राथमिक सेल की अगर मैं बात करूं तो ये वोल्टा ने किया था 1800 में, ठीक है। टेलीफोन की अगर मैं बात करूं तो ग्राहम बेल ने किया था 1876 ईस्वी में। इसके बाद मैं बात करूँ अगर माइक्रोफोन की तो ये है बर्लिनर, बर्लिनर ने किया था 1876 में। सुपर कंप्यूटर एस्क्रे ने किया था 1958 में। मोबाइल फोन का आविष्कार मार्टिन कूपर ने किया था 1973 में। हेलीकॉप्टर ब्रेकेट ने किया था 1909 में, ठीक है। पनडुब्बी की अगर हम बात करूँ तो बुसनैल ने किया था 1776 ईस्वी में, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस की बात करें तो कैक्सटन ने किया था 1455 ईस्वी में। उसके बाद रिवॉल्वर की बात करें तो ये कोल्ट ने किया था 1835 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद आगे हम देख लेते हैं जेट जो प्रोपल्सन होता है उसका आविष्कार किसने किया, तो फ्रैंक रूटिन ने किया 1930 में, ठीक है। मशीन गन की अगर मैं बात करूँ तो गेटिंग ने किया था कितने में, तो 1862 ईस्वी में। भाप इंजन की बात करें जेम्स वाट ने किया था। ट्रांजिस्टर की बात करें डब्ल्यू सॉकले ने किया था 1958 में। टाइपराइटर की बात करें तो सोल्जर ने किया था 1868 में। उसके बाद बैरोमीटर की बात करें तो टोनी सेली ने किया था 1643 ईस्वी में, ठीक है। वायुयान की बात करें तो राइट ब्रदर्स ने इसका आविष्कार किया था। तो ये तो जो है आपके काफी महत्वपूर्ण ये सारे के सारे हैं, आप ध्यान में रखें। आगे हम देखें इस क्रम में तो फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया, तो वाटरमैन ने किया था 1884 ईस्वी में। आर्क लैम्प की बात करें तो डेवी जो है डेवी ने किया था 1809 में। एयर कंडीशनर की बात करें तो विल्स हैविलैंड कैरियर ने किया था इसका आविष्कार 1902 ईस्वी में, ठीक है। क्रेस्कोग्राफ की अगर मैं बात करूँ क्रेस्कोग्राफ की तो ये जेसी बोस ने किया था 1900 ईस्वी में। क्रोनीमीटर की अगर मैं बात करूँ जॉन हैरिसन ने किया था, ठीक है, 1735 में। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, तो ब्रेनर्ड इंगर्ट एवं मैनुली ने, ठीक है, 1946 में। उसके बाद गाइगर मूलर जो काउंटर होता है उसका आविष्कार किसने किया, तो गाइगर ने किया 1913 में। जाइरोस्कोप की बात करें तो इसका फोकार्ट ने किया था 1852 ईस्वी में। उसके बाद हार्ट लंग मशीन जो होता है डेनिस मेलरोज ने किया था 1940 में, ठीक है। परमाणु भट्टी की बात करें तो एनरिको फर्मी ने 1942 में किया था। सिस्मोमीटर की बात करें तो रॉम्बर्ट मैलेट ने 1867 में किया था। उसके बाद आगे हम बात करें ट्रांसफार्मर का, तो ट्रांसफार्मर जो माइकल फेराडे ने किया था 1831 ईस्वी में, ठीक है, ध्यान में रखें सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। लिफ्ट की बात करें तो जो है जो इंग्लिशा ग्रोविस ओटिस जो थे उन्होंने किया था 1852 में, ठीक है। उसके बाद टेप रिकॉर्डर की बात करें तो पाउल सेन ने किया था 1899 में। कैलकुलेटर की बात करें तो बी पास्कल ने 1642 में किया था। ईमेल की बात करें तो रे टॉमलिंसन ने किया था 1971 में। रडार की बात करें तो आर एस जो आपका वाटसन है आर ए वाटसन 1919 में इन्होंने रडार का जो है आपका आविष्कार किया था। चलिए कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियां हैं एवं उसके सूत्र और फिर बीमाओं के बारे में हम जानते हैं। अब देखिए क्षेत्रफल की बात करें तो इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं एरिया को कैपिटल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। अब लंबाई का जो आपका जो बीमीय सूत्र होता है बीमा वो लेंथ एल मानते हैं, ठीक है, इंटू अब चौड़ाई जो है चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी को एल से रिप्रेजेंट करते हैं बीमा में, ठीक है। बीमा में तीन ही चीज होते हैं, ये मास यानी कि मास को एम से, ठीक है, उसके बाद लेंथ यानी चौड़ाई लंबाई ऊंचाई सबको एल से, और टाइम को समय को जो है टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एल इंटू एल ये क्या हो जाएगा आपका एम जीरो, क्योंकि यहाँ पे मास को या नहीं रहा फॉर्मूला में, एल जो है एल इंटू एल एल स्क्वायर हो गया, टाइम को ही नहीं है तो टी के पावर जीरो, ठीक है। तो एम जीरो एल टू टी जीरो इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा, ठीक है। आयतन की बात करें वॉल्यूम की तो भी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी कि तीन एल मल्टीप्लाई होगा तो एल क्यूब बन जाएगा, तो एम जीरो एल क्यूब टी जीरो हो जाएगा। घनत्व यानी डेंसिटी की बात करें तो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, यानी द्रव्यमान अपॉन आयतन, ठीक है, द्रव्यमान में आयतन से डिवाइड करते हैं। अब द्रव्यमान क्या है आपका, तो द्रव्यमान का जो होता है वो होता है मास, तो मास का हो गया एम, ठीक है। द्रव्यमान यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम का क्या होता है आयतन का, तो अभी देखा था एल क्यूब होता है, ठीक है, एल क्यूब। अब ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा एम, एम तो ज्यों का तो रहेगा, तो एम ज्यों का तो यानी कुछ नहीं है पावर में एक है, ठीक है। उसके बाद एल क्यूब जो है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा एल के पावर माइनस थ्री बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसका सूत्र क्या हो गया आपका एम एल माइनस थ्री टी जीरो, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं आवृत्ति की, तो आवृत्ति को जो है एक बटे अवर्तकाल यानी टाइम पीरियड, ये टाइम का डिनोशन होता है, तो वन अपॉन टी ये क्या हो गया वन वन डिवाइड बाई टी हो गया, ठीक है, वन डिवाइड बाई टी यानी कि ये टी ऊपर जाएगा तो माइनस टी बन जाएगा, तो एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन, ठीक है। यानी वेलोसिटी की बात करो वेग या फिर चाल, ठीक है, वेलोसिटी यानी स्पीड, तो ये क्या होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन यानी कि कुछ डिस्प्लेसमेंट दूरी
दूरी यानी कि लेंथ, ठीक है, तो ये हो जाएगा लेंथ एल डिवाइड बाई क्या, समय टाइम टी, ठीक है, तो एल, ठीक है, एल और टाइम ऊपर जाएगा तो माइनस वन बन जाएगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा इसका बीमीय सूत्र। तो उसके बाद हम बात करते हैं त्वरण की एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन स्मॉल इससे रिप्रेजेंट होता है, ठीक है, और याद नहीं तो आपका गुरुत्वीय त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होता है। अब ये क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, तो वेग अपॉन समय, ठीक है, हिंदी में बात करें तो इसका जो सूत्र होता है वेलोसिटी, ये हो गया आपका एल टी माइनस वन डिवाइड बाई टी, तो जब टी से डिवाइड इसमें करेंगे तो एक और टी ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस टू बन जाएगा, ठीक है, ये तो ये हो जाएगा एम जीरो एल वन माइनस टू टी के पावर, ठीक है। उसके बाद हम बात करें बल की यानी फोर्स, फोर्स क्या होता है, द्रव्यमान यानी मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, द्रव्यमान इंटू एक्सेलरेशन, तो मास का तो होता है एम, ठीक है, एक्सेलरेशन अभी अभी आपने निकाला ये एक्सेलरेशन का एल एल टी माइनस टू, तो एम जो हो जाएगा और एल टी माइनस टू हो जाएगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला इसका। उसके बाद आवेग की बात करें तो ये होता है बल इंटू समय, बल का क्या होता है, ये होता है इसमें समय से मल्टीप्लाई यानी टाइम एक टाइम से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे प्लस वन हो जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस वन, ठीक है। आगे है कार्य, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ऊर्जा को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों का जो है फॉर्मूला सेम होता है, बल इंटू दूरी, ठीक है। तो बल की बात करें तो फोर्स, फोर्स आपका क्या हो गया, ये हो गया फोर्स का एम एल टी माइनस टू, ठीक है, एम एल टी माइनस टू हो गया फोर्स का इंटू एल, इसमें एल मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एल स्क्वायर बन जाएगा, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू बन जाएगा। उसके बाद हम बात करें शक्ति यानी पावर का, बात करें तो कार्य बटे समय होता है। अब कार्य की अगर मैं बात करूँ तो कार्य का क्या होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू हो गया आपका एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक है। अब एक टी से डिवाइड कर रहे हो तो टी से डिवाइड जब आप करोगे इसको तो ऊपर जाएगा तो माइनस वन यानी कि माइनस थ्री बन जाएगा, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं संवेग की, संवेग की बात करें तो द्रव्यमान इंटू वेग होता है, द्रव्यमान मतलब मास एम, एक एम मल्टीप्लाई होगा, वेग का होता है एल टी माइनस वन, तो एम एल टी माइनस वन हो जाएगा इसका बीमीय सूत्र। अब यह प्रतिबल, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है बल अपॉन क्षेत्रफल होता है यानी फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की बात करें तो इसका क्या होगा एम एल टी माइनस टू अपॉन एरिया की बात करें तो एल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आप इसमें जब एम एल टी माइनस टू है आपका एम एल टी माइनस टू, ठीक है, एम एल टी माइनस टू फोर्स का हो गया आपका, उसके बाद डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका एरिया, एरिया मतलब एल स्क्वायर, ठीक है, तो स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या है वन है तो वन माइनस क्या हो जाएगा टू, यानी कि क्या बन जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। विकृति का देखते हैं तो इसका होता है बीमा में परिवर्तन अपॉन मूल बीमा, ठीक है, तो इसका जो है डायमेंशन लेस आ जाएगा, बीमा ही राशि आ जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। पृष्ठ तनाव, ठीक है, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन बल अपॉन लेंथ होता है, ठीक है, तो बल क्या होता है, बल की अगर मैं बात करूँ फोर्स की तो ये एम एल टी माइनस टू होता है, उसको लेंथ से डिवाइड करेंगे तो एम एल एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर एल जीरो आ जाएगा तो एम टी माइनस टू बचेगा, ठीक है। गतिज ऊर्जा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, तो ये होता है हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर की बात करें तो हाफ का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं क्योंकि नंबर है, नंबर डायमेंशन लेस होता है। मास की बात करेंगे तो एम हो जाएगा, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी की बात करें तो आप अभी भी देख सकते हैं वेलोसिटी का अभी मैंने बताया ये एम एल टी माइनस वन, तो यानी कि एल टी माइनस वन है ये, ठीक है, इसके पावर में स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे तो क्या बन के आ जाएगा ये एम, तो बाहर है एम के पावर वन, ठीक है, एल का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि होल स्क्वायर है पूरे पे, टी के पावर में क्या आ जाएगा ये माइनस टू अंदर आएगा तो माइनस टू हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा थ्री नहीं होगा यहाँ पे टू होगा, ठीक है, तो माइनस एम एम एल स्क्वायर टी माइनस टू हो जाएगा इसका, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे, ध्यान में रखें इसको। अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाले समय में जितने भी सारे इंपॉर्टेंट वीडियो जाएंगे उसकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे, इसलिए चैनल का जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।